गाइस यहाँ पे पावर की कमी महसूस होती हुई ज्यादा हो गया यहाँ पे, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये बताइए यहाँ पे दिवाली कैसे सेलिब्रेट होती है? कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ एक स्कूटी के लाइट के सहारे हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस पहुंच गए हम कोला बीच पे, घुसते ही एंट्री के टाइम पे के पीछे एक कैफे है, और घुसते ही हमें जो आपको दिखाना था, जिसके लिए मैं कोला बीच आया हूँ, वो सीन दिखाता हूँ आपको। वो सीन और अच्छा लगेगा जब सनसेट होगा। वो सीन ये है, देखिए। तो दिस इज़ सी, अरेबियन सी, और ये है स्वीट वाटर की लगून। चलिए चलते हैं नीचे की साइड, वो हमारा देखते हैं क्या खर्चा है बोटिंग का, क्या है क्या नहीं। तो दिस इज़ कोला बीच, और इस साइड पे हमारा ये लगून, स्वीट वाटर लगून। हमने अभी बात करी है लगभग 100 में ये हमें मिल जाएगी बोट, और हम बोटिंग करते हुए अंदर जाएंगे थोड़ी देर में, जब तक एक थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं सब तरफ से कैसा है कैसा नहीं है। कुछ लोग नहा भी रहे हैं यहाँ पे, और पानी ज़्यादा घेरा नहीं है। चलिए थोड़ा सा एक बार वॉक अराउंड कर लेते हैं कोला बीच का, कैसा है कैसा नहीं है। आओ जी आओ, आगे तक चलते हैं थोड़ा सा। अभी सनसेट का टाइम लगभग होने वाला है, देखिए सनसेट भी थोड़े बाद होने वाला है। तो हमारा प्लान ये है कि हम लोग यहीं पर रुकेंगे, और हमने कुछ खाया भी नहीं है, और अभी ही यहीं पर कहीं खा लेंगे हम कुछ भी। देखिए कितना ज़बरदस्त सीन है। कलर अभी शायद जो ये कैमरा दिखा रहा है वो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा, जो ये कैमरा दिखा रहा है वो बिल्कुल भी जो हम लोग देख रहे हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है। तो गाइस हम लोग अभी कोला बीच पर ही रुकेंगे थोड़ी देर और, जब तक सनसेट नहीं हो जाता। तो अभी हुआ क्या, अभी हमें लंच नहीं करा था हमने, और यहाँ पर खाना बहुत कॉस्टली है, और बिल्कुल ऐसा ही। अब हमें खाना खाने के लिए यहाँ पर थोड़ी दूर आपको लेके जाते हैं, वहाँ पर चीप में खाना मिल सकता है, ताकि आप लोग आएँ आपको भी दिक्कत ना हो। चलते हैं हम लोग। चलो गाइस यहाँ पे पावर की कमी महसूस होती हुई, चल 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 चल, रात को जल्दी निकलना पड़ेगा लग रहा है यहाँ से, रात को जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो रात को ये और ज़्यादा दिक्कत देंगे। ये अप हिल है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रीन नेचर रेस्टोरेंट, छोटा सा रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। तो ये क्या क्या सर्व करते हैं देखते हैं, ये लो ये क्या क्या सर्व करते हैं। खैर ग्रीन नेचर रिजॉर्ट देखते हैं लंच में। मेनू कार्ड देखो, स्पेशल वी आर सर्व द गोवन फिश थाली, गोवन फिश थाली। एक मिनट मेन्यू कार्ड देख लेते हैं, लाओ उधर लाओ, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। लंच में बियर वियर यहाँ पर भी अवेलेबल है, बताओ। छोटा सा ऑमलेट स्टार्टर हमें देखना है, लंच गोवन फूड, तो गोवन फूड देखते हैं, स्पेशल गोवन थाली में क्या होगा आपके पास, पूछो उसमें क्या है, मतलब अच्छा पता नहीं हम लोगों को। स्पेशल गोवन थाली जो है ये वाली में क्या है? हाँ अच्छा सॉरी वो सी फूड में पूछ रहा था मैं आपके, क्या होगा? नहीं होगा बिल्कुल, ओके कोई नहीं, आप गोवन की वेज थाली, बांगड़ा है, मैकरल है, फिश मैकरल नहीं, आप फिर वेज थाली लाइए भाई, हम तो सही से फिश नहीं खाते यहाँ पे, स्नेल वगैरह मैकरल मिल रहा है, क्रैब वगैरह सब यहाँ पर खा सकते भाई, हमारे ऑक्टोपस खा लेते हैं बहुत आराम से, ऑक्टोपस स्नेल वगैरह सब खा लेते हैं भाई, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं खाता, मछलियाँ भी कुछ स्पेशल हैं वही खाता हूँ मैं। सुकून से यहाँ पे बैठ गए हैं, देखिए वहाँ पर जो स्टार्टर था बहुत ज़्यादा कॉस्टली, आई थिंक वो बढ़ती नहीं है, अगर आप पीने पिलाने का शौक़ रखते हैं तो आप वहाँ जाइए। बाकी ये छोटा सा कितनी दूर होगा, 200-250 मीटर दूर, लगभग 300-400 मीटर दूर है ये वहाँ से, ऊपर आते वक्त रास्ते में वैसे ही पड़ेगा, या तो जाते हुए खा लिए अगर आपने खाना नहीं खाया, या फिर आते वक्त खा लिए। स्टॉल टाइप का रेस्टोरेंट है छोटा सा, मगर यहाँ पर भी बियर अवेलेबल है, देख लीजिए कितना क्रेज़ है यहाँ पर बियर का। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर कर दिया है गोवा की वेज थाली, और वो शायद नीचे से लाएंगे बेटा, एक मिनट, हिंदी आती है
हिंदी, यू नो हिंदी, इंग्लिश, व्हाट इज़ योर नेम? अलीशा. क्या? अलीशा. अलीशा, गांव है नीचे, गांव विलेज, योर हाउस आपका घर ऊपर, तो बता रही है बच्ची इनका घर ऊपर कहीं है, खाना नीचे से आता है क्योंकि नीचे कहीं है, और अब मुँह हाथ धो के थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाते हैं. काफ़ी वेट के बाद देखिए हमारी थाली आ गई है, ये रही गोवा की गोवन वेज थाली. इसमें एक दो चीज़ों के अलावा मुझे कुछ नहीं पता क्या है, तो राइस है, अचार है, पापड़ है, और ये शायद फ्राइड पटाटो, और ये तो था सलाद टाइप का, और ये पता नहीं क्या है, ये आलू की सब्जी कुछ है, आलू भाजी, बाकी ये कोकोनट का ही कुछ है क्या? नहीं, गोभी वोभी का कुछ भी, गोभी. एक ही थाली मंगाई थी हमने ट्राई करने के लिए, क्योंकि अब एक काम करते हैं, दिस इज गोभी चटनी, तो उसको खाते हैं फिर बताते हैं कैसी है. चलो जी खाओ. तो दोस्तों देखिए आप लोग, हम आ गए हैं, दिस इज़ कोला बीच, और ये मैंने आपको बताया था जैसे वही स्वीट वाटर की लगून है, ये हमारा भाई बैठ रहा है, ये आपको देखिए. अब अभी भाई से बताएंगे, पूछ के कि क्या रेट हैं, क्या क्या है, क्या नहीं है, सारे रेट भाई से पूछ के बताएंगे अभी. बाकी से मैं भी ले ही लेता हूँ बोट, नहाते तो रहेंगे ही, ये एक्सपीरियंस बार बार नहीं मिलता. चलो कहाँ बैठना है? उस पर. चलो राइट में किया ना, हाँ तो लेफ्ट में जाएगा, और लेफ्ट में किया तो राइट में आ जाएगा. ओके, वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ती. व्लॉगिंग भी करनी है और इसको भी चलाना है. तो भाई देखो जी, एक हाथ से चला रहा हूँ. हाँ तो दोस्तों, फुल मज़े करते हुए हम लोग, ये है हमारी कोला बीच की लगून, और ये हूँ मैं, और थक गया भाई बहुत. आगे चलते हैं, चलो वही चलते हैं. दोस्तों ऑलरेडी काफ़ी मज़ा कर लिया हम लोगों ने, और अब टाइम है नहाने का स्वीट वाटर में. चलिए नहा लेते हैं हम, थोड़ा काफ़ी अंदर तक जा चुका हूँ मैं, देखिए हाँ थोड़ा और आ जाता हूँ. अब काफ़ी ज़्यादा हो गया यहाँ पे, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा. हाँ उधर पानी ज़्यादा घेरा है, इधर पानी काफ़ी ज़्यादा घेरा, मैं अचानक चला गया. देखिए यहाँ घेरा पानी, यहाँ पे देखिए पानी बिल्कुल कम घेरा है, यहाँ ख़त्म पानी, और वहाँ अचानक मैं डूब गया. यहाँ तो आना बनता है यार, एक बार ज़रूर आना बनता है. तो लगून में हमें काफ़ी मज़ा आया, नहाए भी और बोटिंग करी. हाँ बोटिंग का अगर आपको बता दूँ, तो बोटिंग का हाफ़ आवर के लिए सिर्फ 100 रुपीज़, सिर्फ 100 रुपीज़, सीरियसली गाइस 100 रुपीज़ सही है, बहुत अच्छा फेयर है इस बोट के लिए, जिसके अंदर आपको पूरी बोट और लाइफ जैकेट भी मिलती है, वन ऑफ द बेस्ट बीच अभी तक की हमारे गोवा की, दिस इज़ कोला बीच, काफ़ी शांत. और गोवा कोला बीच के इस साइड पर आप देख सकते हैं लगून, दिस इज़ लगून, और यहाँ हमने खूब नहाए और बोटिंग भी करी, जैसा कि आपने देखा काफ़ी मज़ा आया गाइस, सच में काफ़ी मज़ा आया. मैं सनसेट लगभग हो गया, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वेव्स की, जो टाइड्स हैं, वो कितनी ज़्यादा हो गई, देखिए आप लोग.
और इस वक्त फ़ोटो शूट बहुत ज़बरदस्त होंगे और हम लोग एक अच्छी सी लोकेशन पे जा रहे हैं सामने फ़ोटो शूट के लिए, क्योंकि दोपहर में काफ़ी धूप थी तो ये माउंटेंस भी इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, अब ये माउंटेंस बहुत प्यारे लग रहे हैं ये माउंटेंस भी। गाइस ये कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा व्यू के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। अब हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट कराएंगे यहाँ पे। जाने से पहले मैंने सोचा एक वॉक अराउंड कर लें कोला बीच का। भाई सच में बहुत खूबसूरत बीच है और पानी भी चढ़ता चला आ रहा है ऊपर। इस बीच को कौन खूबसूरत बना रहा है? सबसे पहली बात, इस बीच पे क्राउड नहीं मिलेगा आपको, ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स मिलेंगे यहाँ पे आपको, पीछे फ्रेश वाटर की लगून मिलेगी और पीछे आपको कुछ माउंटेंस मिलेंगे, ग्रीन माउंटेंस, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पे मानसून ख़त्म हुआ है। खैर ये सारी चीज़ें मिलेंगी, देखिए एक मिनट के लिए आप लोग इस व्यू को पीछे की तरफ। वाओ, इस वक्त लाइट कंडीशन ख़त्म हो गई और आप जानते हैं कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, लाइट कंडीशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। देखिए 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 पानी एकदम से, देखिए कितनी तेज़ वेव्स हो गई कि पानी कहाँ तक चढ़ रहा है। अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए और यहाँ से नहीं गए तो गाइस पानी अभी थोड़ी देर तक पीछे तक था, और देखिए 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 अब ये पानी यहाँ नहीं जहाँ हम खड़े हैं, ये वहाँ तक चढ़ जाएगा और ये जो रॉक्स दिख रही हैं आपको ये पूरी डूब जाएंगी रात को, क्योंकि अभी सी कॉस्ट गार्ड आने वाला है, वो हमें निकाल देगा ऐसे, ये पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा। देखिए तो काफ़ी अंधेरा हो चुका है और काफ़ी एंजॉय करा हमने कोला बीच पे, ब्लू लगून पे नहाया, सब कुछ करा। अब खैर बहुत अंधेरा हो गया है, फ़ोन में चार्जिंग भी ख़त्म हो गई है। खैर जल्दी से निकलते हैं अपनी स्कूटी की तरफ और यहाँ से तकरीबन हमें 30 या 40 किलोमीटर जाना है मडगांव की तरफ, क्योंकि रास्ते में माउंटेंस भी पड़ेंगे अभी बहुत ज़्यादा, अब पता नहीं कैसे कर पाएंगे, बहुत डेंजर रोड है और अब हमें स्कूटी से निकलना है यहाँ से। चलिए जल्दी से निकलते हैं और पहुँचते हैं अब, क्योंकि अब अंधेरा काफ़ी हो चुका है। और फिर फाइनली हमने कोला बीच को अलविदा करते हैं, अब आपसे बिल्कुल अब अंधेरा है कुछ नहीं है, हम डायरेक्ट पहुंच मिलेंगे आपसे अब अपने होस्ट के घर पे। चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग कोला बीच से काफ़ी लेट हो गए निकलने में और देखिए रोड कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ एक स्कूटी के लाइट के सहारे हम लोग जा रहे हैं। देखिए यहाँ के रोड नहीं बने हुए हैं बिल्कुल भी, अगर आप कभी कोला बीच आएँ तो ये रूट ना आकर कहाँ पे बताइए, द्वारका रिजॉर्ट की लोकेशन डालें, क्योंकि द्वारका रिजॉर्ट की लोकेशन डालेंगे तो आप इस तकरीबन 2 या 2.5 किलोमीटर के रोड से बच जाएंगे। फाइनली ये जो कच्चा रोड था वो ख़त्म हो गया, हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से मेन रोड की तरफ, हम निकल जाएंगे यहाँ से, अब आगे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो गाइस हम लोग अपने जो डे 2 था उसको कंप्लीट करके कोला बीच से लगभग 8 बजे के करीब हम लोग पहुंच गए थे अपने घर पे, क्योंकि मेरा फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, रात को काफ़ी अंधेरा था, काफ़ी मुश्किल से हम लोग अपने घर पे पहुंच गए। यहाँ पे एक लोकल से हमने पूछा कि यहाँ की दिवाली कैसे सेलिब्रेट होती है और क्या क्या होता है, तो क्या नाम है आपका? सुजल नाम है इनका। बाकी ये हमें जो हम पहले दिन आए थे रात को जब ट्रेन से भटक रहे थे तब भी हमें यहाँ पे ये मंदिर उसके पास मिले थे, काफ़ी मेहनत करा रहे थे दिवाली के लिए। सुजल भाई अब ये बताइए यहाँ पे दिवाली कैसे सेलिब्रेट होती है? कुछ नहीं, अभी 3 नवंबर को ऐसा नरकासुर रहेगा हमारा, 3 नवंबर को नरकासुर, हाँ नरकासुर रहेगा हमारा, बाद में हम लोग मतलब अगले दिन पूरा अभी नरकासुर भी पूरा जलाते हैं। यहाँ पे रावण का कुछ ऐसा कुछ नहीं? रावण रहेगा लेकिन वो दशहरे के दिन में, रावण भी रहता है लेकिन इधर नरकासुर कॉम्पिटिशन रहता है, हम लोग कंपटीशन में लेके जाते, इधर बहुत सारे कंपटीशन रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि नरकासुर जो है, नरकासुर के है उसको यहाँ पे कंपटीशन चलता है, अलग अलग स्टेट अलग अलग टाउन से यहाँ पे लोग आते हैं और नरकासुर को डेकोरेट करते हैं, उस पर कंपटीशन चलता है, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसमें। फर्स्ट सेकेंड रहता है, मतलब उसमें कृष्णा का रहता है, कृष्णा का। बाकी अभी हम दिवाली फुल टाइम यहाँ पर हैं और भाई से भी कई बार मिलना होता रहेगा,
क्या नाम था एक बार और बता दो? सुजल गोयल भाई से। ठीक, चलिए खैर, लोकल से एक्सपीरियंस हासिल करते रहते हैं हम लोग और पता चलता रहता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्योंकि हम दिवाली के टाइम पर हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ की दिवाली देखें। दिवाली हमने देख रखी है काफ़ी, अब यहाँ की दिवाली देखेंगे। और इसीलिए कहते हैं आप टूरिस्ट मत बनिए, आप ट्रैवलर बनिए, तो आप यहाँ पर लोकल के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। खैर, अब इसी बहाने हम लोग यहाँ का नारकासुर को देखेंगे और देखते हैं दिवाली कैसी होती है गोवा की। फिर मिलते हैं आपसे, फिर